तो हेलो गाइस, आप सबको हमारे न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो वीडियो होने वाला, मतलब कोई ब्लॉग व्लॉग होने वाला नहीं दोस्तों। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में फिर से रोड शो होने वाला है। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कौन सा, मतलब कौन कौन डीजे आने वाला है वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा मतलब रोड शो काफ़ी खतरनाक भयानक होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो से कहीं मतलब स्किप कर मत करिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो आप सबको मैं बताने वाला डीजे शशि और डीजे सार्जन का फुल कंपटीशन हार्ड बेस वाला होने वाला है। जैसे कि आप सबको आजमगढ़ में देखे थे, यूपी में देखे थे, डीजे सार्जन का सेटअप कैसा था, तो मतलब पूरा न्यू सेटअप आने वाला, मतलब पूरा एकदम ना बदलाव वाला सेटअप आने वाला है दोस्तों। चैनल में नए होंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। पहले देखिए, आप सबको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं डीजे सार्जन में क्या बोला है और डीजे शशि में, तो दोनों का क्लिप दिखाते हैं पहले। चलिए क्लिप देखिए पहले। कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की, मतलब एक अगर अपने आप को गोली मारेगा तो दूसरा भी मारेगा। इसे दोस्ती में चूतियापा कहते हैं। ये के सेलिंग के लिए नहीं है। आज जो हमारा जो सबसे बड़ा खास करके शो ऑफ होता है रोड शो में, अभी तक जितना भी रोड शो देखते हैं जो होता है एक मतलब शो ऑफ के लिए, दिखावा, मतलब एक अच्छा बढ़िया सा लुक। तो सबको उसको तो जानते हैं, पिछला साल से जो धनबाद का भेंट मोड़ वाला रहता है। तो आप लोग का बहुत जल्द इंतजार खत्म होने वाला है। आठ या नौ तारीख को है, आठ मार्च को। ऐसे तो सबको मेरा पहले वाला वीडियो से जो लाइव आए थे, थोड़ा सा क्लिप से आप लोग को पता चल ही गया है, लेकिन वही चीज़ जो जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक हम नहीं छोड़ते पूरा क्लियरली, क्योंकि जो भी करते हैं आप लोग के लिए ही करते हैं। तो आपको जो दूर से है, जो सामने है उनको पता है बैंक मोड़ कहाँ पर है, लेकिन जो दूर से बहुत जन फ्रेंड जैसे यूपी से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग जगह से जो भी आएंगे, तो उनको आज वाला वीडियो में थोड़ा सा आपको क्लिप भी दिखा देंगे कि आपको कहाँ आना है, कैसे आना है और उस दिन क्या क्या होने वाला है, वो सारा चीज़ आप लोग को इसी वीडियो में थोड़ा सा बता देंगे। बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले तो मिलाते हैं जो पिछला साल भैया हमको जो वहाँ पर जगह दिए थे, वो जगह में उतना बड़ा जगह में काम करने के लिए। तो भैया जी ये है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी लाखों आदमी आपका वीडियो, हम लोग का वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी और क्या क्या होने वाला है थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए। नमस्कार। श्री श्री 1008 बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर, कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद। ये मंदिर बैंक मोड़ से मटकुरिया का वॉकिंग डिस्टेंस में है, जो कि मटकुरिया शमशान घाट से सटा हुआ बाबा का मंदिर है। और ये मंदिर का स्थापना 1960 में हुआ था। ये साक्षात भूतनाथ महादेव मंदिर है, क्योंकि शमशान निवासी है बाबा। और पिछले साल हम लोग बाबा से रिक्वेस्ट किए थे कि भैया का प्रोग्राम शो हो, और हम सोचे कभी नहीं थे, ये सच बता रहे हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, ये सोचे कभी नहीं थे जब यहाँ आए और जब इनका सेटअप देखे तो हम हाथ जोड़ लिए कि इतना बड़ा सेटअप हम लोग नहीं बुला पाएंगे। लेकिन मैंने बाबा के रूप में अवतार से आए और हमारे मंदिर गए, बाबा का मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद भैया बोले कि नहीं, प्रोग्राम तो हम करेंगे। भैया का जैसे एक चीज से इंस्पायर है कि बाबा चाहेंगे तो जरूर आएंगे, और सच में मतलब वो जगह का जो हम बोल के नहीं समझा सकते, लेकिन बात को भी बहुत बड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप अगर इस साल आते हैं ना तो वो जगह आप घुसने से ही आपको अंदर क्या बदलाव आएगा, आप वहाँ पर जो अपने से फील कीजिएगा वो चीज़ हम लोग बोल के आपको नहीं समझा सकते हैं। तो मेरे तरफ से, भैया के तरफ से, पूरा टीम के तरफ से आप सभी को भी आमंत्रित है कि आप वहाँ पर एक बार आए और एक बार खुद अनुभव कीजिए कि वो जगह होता है कि कोई चीज़, मतलब ऐसा बात ना हो कि होता है ना कि कुछ बढ़ के बता दे रहे, लेकिन वो बात नहीं बता रहे थे, कुछ भावनाओं का बात आप लोग को नहीं समझा पा रहे, लेकिन बस वीडियो को बहुत ज़्यादा तो बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो एड्रेस वगैरह वो इस वीडियो में बता देंगे, और आप एक बार खुद वहाँ पर आइएगा, आपको कुछ हो सके हर चीज़ में, चाहे वो डीजे के मामले में हो, और वहाँ पर जैसे एक थोड़ा सा बता दीजिए जो बाहर से क्या क्या आने वाला है। इस बार हम लोग का महाशिवरात्रि का जो बारात है वो सबसे अद्भुत बारात है। अभी तक झारखंड, धनबाद तो छोड़ दिए, झारखंड में हमको लगता कि भैया हम अभी तक वैसा बारात में देखे नहीं। ऐसा बारात हम लोग सिर्फ यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक के माध्यम से देखे हैं। हम लोग का जो पंडाल इस बार बन रहा है, जो बाबा का मंदिर का पहला फ्रंट, वो आदि योगी का स्ट्रक्चर है, और उसमें रात में लाइट
लेजर लाइट शो का कमाल दिखेगा आप लोग को। लेजर लाइट भी जो उसका शो है, एनिमेशन शो, काफी सारा वीडियो में देखते हैं, राम मंदिर वगैरह में जैसे बना था, तो वो सारा चीज भी यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा, इस बार जो झांकी आ रहा है हम लोग को, ये महाकाल रूप का झांकी आ रहा है, जो कि आप लोग देखे मुंडमाला और कंकाल आग से जो फायर निकलता है, जो रूप भी है कुछ मतलब यूनिक जैसा है एकदम। और सांप धारी लेकर, क्योंकि बाबा का रूप है तो सांप तो रहेगा बाबा का। दूसरा, अभी बहुत ट्रेंड चला हुआ बाहुबली बजरंगबली, तो ये इलाहाबाद से आ रहे हैं हमारे बाहुबली बजरंगबली। उसके बाद राम लक्ष्मण सीता है, झांकी में अनेक झांकियां है, और एक हम लोग का सबसे है बच्चा ग्रुप का तांडव ग्रुप, क्योंकि वो भी मतलब एक साल से बच्चा लोग प्रैक्टिस करता है और वो शो में दिखाया जाएगा। वो हम लोग का धन्यवाद कह ही रहेंगे। हाँ, वो धन्यवाद कह ही हम लोग का, जो धन्यवाद का जो खुद जो उस ग्रुप में है, उनका भी एक आपको इवेंट टाइप का आपको शो देखने को मिलेगा, यानी काफी मजेदार रहने वाला है। दूसरा बात, यहाँ पर कभी भी आज तक झगड़ा नहीं हुआ है। दूसरा बात, पिछला बार भी हम लोग इतना बार बार काम किए कि जैसे गर्ल मेल फीमेल का जो इशू रहता है कि कहीं इतना भीड़ में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन पिछला बार का वीडियो आपको दिखा देंगे कि उस समय चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, लड़की हो, मतलब सब प्रेजेंट थे। तो हमको भी एक अजीब लगा कि इतना बड़ा भीड़ में मतलब इतना शांति से पार हुआ था। प्लस पुलिस का गाइडलाइंस रहता है, वो प्रशासन पूरा हम लोग का साथ रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग तो देखने को मिलेगा। ये सिर्फ हम लोग तो यही जानते हैं, ये बाबा का चमत्कार है, क्योंकि इतना बड़ा आप जब आए भैया, उसके बाद से जो भीड़ हम लोग का उमड़ा है, जन सैलाब जो उमड़ा है, यानी हम लोग कभी सोचे नहीं थे, और ये जन सैलाब सिर्फ बाबा के ही मदद से ये सफल हो सकता है। तो आज हम लोग जो भी कह रहे हैं, इस बार भैया को बहुत बड़ा योगदान है, ये पूरा हम तो एक क्या हमारे टीम, मैंने जब तक हम लोग हैं बाबा का मंदिर है, और जब तक हम एक कोशिश हमेशा करेंगे, कहीं कुछ करे नया या नहीं, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स का भी जैसे ये है कि कुछ लाइट वगैरह, तो देखिए वो कभी भी बड़ा चीज के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो आप लोग निश्चित रहिए, आपको कुछ जैसा पिछला बार भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद से काफी जन बदलाव किया, वो अलग बात हो जाएगा, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं आप जो इंतजार किए हैं, जो भी चाहने वाले मेरे जो इंतजार किए हैं इतना दिन, तो निश्चित रहिए कुछ अलग मिलेगा आपको। और उसके बाद आपका कॉमेंट रहेगा, उसके हिसाब से फिर अगला साल और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग कब उद्घाटन कीजिएगा, कब उद्घाटन कीजिएगा। तो भाई आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आपका इंतजार खत्म हुआ। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग का सेटअप जो है वो निकलने वाला है, डेडली बेस ब्लैक वर्जन का उद्घाटन होगा। तो महाशिवरात्रि में दोस्तों हम लोग के लोकल एरिया बागमारा में ही बड़ा सेटअप हम लोग का बनाने वाला है, उसी दिन ही उद्घाटन होगा। तो जितने भाई लोग को देखना होगा और डेडली बेस ब्लैक वर्जन का क्वालिटी सुनना होगा, वो लोग आ जाइएगा। कुछ इस तरह का सेटअप निकलेगा यहाँ पर, देखिए। वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं है, करके दिखाना है। तो आप लोग आइए शिवरात्रि 8 तारीख को, 8 मार्च को 4 बजे से लेके आप लोग 8 बजे तक मान सकते हैं। तो जिन भाई लोग को आना होगा वो लोग आके देख सकते हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे लोकल एरिया बागमारा में। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, जय हिंद झारखंड, बाय बाय। दोस्त आप सबने देख लिया डीजे सार्जन और डीजे शशि का कैसा मतलब था वीडियो, मतलब खुद दोनों चैलेंज किए, कंपटीशन वाला जो बात था कि हम लोग जो भी आएंगे दोनों मतलब न्यू वाला मतलब न्यू वर्जन रहेगा, दोनों का मतलब न्यू लुक रहेगा। तो आप आइए, हम भी जा रहे हैं वहाँ पे, और डीजे शशि और डीजे सार्जन का ऐसा सेटअप दिखाएंगे मतलब कभी हम तो धनबाद नहीं गए। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि धनबाद में बैंक मोड़ के पास हो रहा है, जो शिव मंदिर का भगवान है ना, वहाँ पे मंदिर है शिव जी का, ठीक है। तो वहाँ दोनों महाकाली का ग्रुप आ रहा है, तो आप लोग भी आइए, सपोर्ट करिए, दोनों को सपोर्ट करिए, वहाँ पे पता चल जाएगा किसका साउंड कितना क्वालिटी है। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इन दोनों का ना, दोनों का कंपटीशन बार बार होता नहीं है, मतलब दोनों किंग है झारखंड का, ठीक है, इससे आगे कोई नहीं है। तो फटाफट आइए और वहाँ पर आके विजिट करिए। कैसे कि आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों डीजे शशि और डीजे सार्जन अपने फैन को मतलब बोल दिए वहाँ पे कि जितना दूर से आना है आप लोग आइए, आप मतलब बहुत ही हैवी वाला सेटअप लगने वाला है दोस्तों, मतलब क्या बोले, मतलब जितना
जितना भी बोले उतना ही कम है, आप सब वीडियो में देख ही सके कि किस तरह से बात हो रहा है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी आइए, हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे, कोशिश करेंगे आप लोग को लगातार वीडियो देने के लिए। और डीजे सार्जन से अगर मुलाकात हुआ तो उससे भी मिलवाएंगे, और डीजे शशि से भी मुलाकात हुआ तो उससे से मिलाएंगे। तो चैनल को कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज है 8 मार्च और आज ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 7 मार्च है, सॉरी दोस्तों, आज 7 तारीख, मतलब कल 8 तारीख, कल जाएंगे हम वहाँ पे और वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। अगर चैनल में नहीं होंगे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।